हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हैं ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। दोस्तों, कल रात 12 बजे के करीब सोनू आए हैं और हम लोग ना बैठे रहे कि वो आएंगे फिर डिनर करेंगे, क्योंकि रिया ने बोला था, सोनू हैदराबाद गए थे तो रिया ने बोला था वैसे बिरयानी लाने का, तो उन्होंने रात का फ्लाइट लिया और 12 बजे उन्होंने आया। तो उतना रात तो हम लोग वेट नहीं कर सकते। फिर रिया को बोला बेटा आप खा लो, तो उसने मैगी बना के खा लिया और मेरा तो केला दूध ये सब था, ये मैंने ले लिया। उसे अर्शोन तो खा के ही आए थे, उसके साथ बिरयानी तो रात में खाया ही नहीं, वो तो भरा हुआ है मेरा फ्रिज में। और उसके साथ अभी सुबह देख रहे हैं इतने सारे पैकेट निकाला, ये सारे कुछ ले आए। ये देखो, ये कराची बेकरी से बिस्किट का पैकेट। मेरा देख के तो दिमाग होश उड़ गया, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले, 10-15 दिन पहले ही गए थे और वहाँ से बिस्किट ले आए, तो वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, यहीं से ही ले आए थे। तो दो पैकेट अभी मेरे पास है और फिर यहाँ से ये सारे बिस्किट, यहाँ पे दो पैकेट, यहाँ पे दो पैकेट, ये सारे बिस्किट ले आए। तो मैंने उनको बोला कि अरे इतना बिस्किट क्यों ले आए, ये सब मेरे पास है, वही अभी ख़त्म नहीं है, पहले वो ख़त्म करना था फिर तो ले आना था। तो इन्होंने बोला नहीं, हमारे लिए नहीं, ये किसी को देने के लिए। तो थैंक गॉड कि इसे किसी को देने के लिए, नहीं तो 6 महीने ऐसे ही पड़ा रहता। ये बिस्किट रिया खाती नहीं, मैं कभी कभी एक दो खाती हूँ और सोनू तो घर में ही नहीं रहते ना, तो वो कभी कभार जब छुट्टी का दिन एक दो खाते हैं, तो इतने सारे बिस्किट लेके क्या करेंगे, ये है प्रॉब्लम। और ये देखो रिया, इससे क्या आया है, कौन सा आया, इनसे दे दो। चलो, वो अपना काम कर रही है एप्लीकेशन, और मैं ही आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, दिखा दूँ। मेरा एक प्लांट है टेक्सस सेज, उसको निकोटिया भी बोलते हैं, उसमें ना अभी फूल आना स्टार्ट हो गया और ढेर सारे कलियाँ हैं, और धीरे धीरे उसमें वो जो कलियाँ पर्पल कलर की, पर्पल तो नहीं, हाँ डीप ऐसे ही है, पर्पल तो नहीं, ये मैजेंटा कलर टाइप का है, तो उसमें ढेर सारी कलियाँ। और देखो, ये देखो, पहले आप देख लो, ये देखो इस तरह इसमें ना ये कलियाँ आते हैं और ढेरों फूल, जब एक साथ सारे खिल जाते हैं ना तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। देखा कितने सारे कलियाँ मेरे इसमें भरे हुए हैं, ये देखो कितने सारे कलियाँ, और ये पूरा खिलेगा, आज फर्स्ट टाइम खिला है, तो ये जब पूरा खिल जाएगा ना, पूरा ऐसे ही फ्लावर भरे रहेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है ये देखने में। इसका कोई स्मेल नहीं है, लेकिन ये जब ऐसे ही खिला होता है ना पूरे भर के, और काफ़ी खूबसूरत लगता है ये वाला। आज का ये है हमारा लंच, बिरयानी। तो बिरयानी के साथ एक तो ग्रेवी दिया था, तो ग्रेवी नहीं लिया, बस ये है बिरयानी, साथ में थोड़ा सा खीरा और प्याज ले लिया। खाने में काफी टेस्टी है, और यहाँ पे है आम की मीठी वाली चटनी, यही है आज का लंच। और दोपहर तो मैं और रिया ही घर में है, तो हम दोनों ही खाऊंगी, तो इसीलिए। और आज काफ़ी मतलब बिल्कुल ही कोई काम नहीं था, आज बिल्कुल ही कोई काम नहीं था,
क्योंकि खाना तो बनाना नहीं पड़ा और सुबह के कुछ प्रॉब्लम हो गए थे। मेरे नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो दो बैचलर्स को रेंट दिया है, तो वो आके दो दिन पहले एकदम ऊंची आवाज़ में झगड़ा करके गए, जब सोनू नहीं था, बहुत ऊंची आवाज़ में बात करके गए थे। मेरे पार्किंग में मेरे कार था, तो उसको हटा के दूसरे जगह रखने बोल रहे थे कि वहाँ पे आप नहीं रख सकते, तो उसी बात को लेकर चिल्ला के गए थे। तो इसीलिए मेरे हाउस ओनर आए थे, उनका हाउस ओनर भी था, तो वो सारे कुछ उस लड़के, उन दोनों लड़के हैं, द मम्मी पर वहाँ हाँ उन दोनों लड़के हैं था, तो उनको समझा के गए कि पार्किंग हमारा है, वहाँ पे हमारा गाड़ी पार्क रहेगा, बगल में आप पार्क कर लो आपके जहाँ पे है। तो है ना, यंग एज है, गर्म खून है, तो चढ़ने लग जाता है। तो फिर उनको समझाया गया तो चले गए। चलो जल्दी जल्दी ये खा लेते हैं, इतना अच्छा है ना हैदराबाद की बिरयानी। ज़्यादा गर्मी, अभी शाम के 6:30 बज रहा है, और देखो पूरे पत्ते झुलस गए, ये देखो हालत, देखा पूरे पौधे का कैसे हालत है, ये देखो पूरे मुरझा गए पूरे, आपको दिखा रही हूँ, ये देखो पूरे पौधे मुरझा गए। अभी शाम के 6:30 ही बज रहे हैं, और ऊपर थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा सनलाइट अभी भी है, और छत में अभी पानी दे के आया, छत का तो एकदम सूख गया था मिट्टी, अब देखो लटक रहा है ऐसे ही पूरे। यहाँ पे देखो मिलीबग, तो मैं तो मिलीबग एक दो देखती हूँ तो ऐसे ही हाथ से इसे मार देती हूँ। तो ये पूरे पत्ते का और पौधे का हालत देखा, तो ये सारे पौधे को मैं अभी ना नहला दूंगी, थोड़ा सा शावर दे दूंगी, ताकि ये पौधे अच्छे हो जाए। ये देखो पूरे लटक रहा है पत्ते मेरे, इसका हालत, ये सारे सारे पौधे का यही हालत है। देखो ये मोगरे का, देखा सारे पौधे का ये हालत है। ये क्या बोलते हैं, हरसिंगार या पारिजात, ये देखो सारे लटक रहा है, तो एकदम झुलस गए। कैसा है? अच्छा है, अभी पूरा खिला नहीं, देख कल जो खिला था वो थोड़ा डार्क हो गया, और ऐसे आज जो खिल रहा वो थोड़ा लाइट कलर है। बाय। कितना खूबसूरत लग रहा है। बाहर इतनी गर्मी कि ये झुलस रहा था, इसका सारे पत्ते एकदम मतलब जल रहा था, देखो ऐसे ही, तो इसलिए
इसे अंदर ले आया। तो यहाँ पे सुबह के टाइम ना थोड़ा सा इसी डोर से, मतलब इस दरवाजे से थोड़ा सा सनलाइट मिलेगा, धूप नहीं मिलेगा, सिर्फ इसको रोशनी मिलेगा, तो ये भी अच्छा रहेगा। क्रोटन की बहुत सारे वैरायटी आते हैं, तो मेरे पास तो ये दो ही ले आए। मैंने आपको दिखाया भी था कहाँ से ख़रीदा और कितने में ख़रीदा। तो आप ऐसे क्रोटन घर में रख सकते हो, ये कलरफुल होता है और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है आपके घर में, जहाँ पे भी रखोगे उसका घर का जो शोभा है वो बढ़ जाता है। और मुझे तो अच्छा लगता है, ये दोनों कलर में है, एक दूसरा क्रोटन है वो मल्टी कलर में है, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट घर में रखने के लिए। एक कलर ऐड करता है और इसे ना ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना खाद ना कुछ, सिर्फ आप पानी देते रहो तो ये अच्छा रहता है। ऊपर का जो मिट्टी है ना वो हल्का सा सूख जाए तभी पानी देना पड़ता है, नहीं तो इसमें फंगस लगने का चांस नहीं होता है। और मिट्टी अगर एकदम सूख जाए तो ये पौधा सूख जाता है, तो थोड़ा सा मॉइस्ट रखना पड़ता है, वही इसको देख के थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना पड़ता है बस, और कुछ नहीं, ना खाद ना कुछ, ना मेंटेनेंस की ज़रूरत। लेकिन ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, घर के अंदर रखो तो पानी थोड़ा कम ही लगता है, ऊपर का मिट्टी जब सूख जाएगा तभी पानी देना। तो फ्रेंड्स, सारे पौधों को पानी उन्हें डाल दिया और अच्छे से नहला दिया, उसके बाद इसे भी अंदर ले आए। और आज का काम मेरा यहीं पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और दोस्तों, आप इस तरीके का क्रोटन आप रख सकते हो अपने घर में, काफ़ी अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा।